एक्सकॉन 2023 के अंदर हॉल नंबर 5 में टाटा मोटर्स लेके आए हैं उनका एग्रीगेट बिजनेस और स्पेयर्स। और हमें क्योंकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे थे, तो हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ गए हैं टाटा मोटर्स से। हमारे साथ है मिस्टर विक्रम अग्रवाल जी, सर जो है वो हेड है नॉन व्हीकुलर बिजनेस एंड स्पेयर्स के। तो सर वेलकम टू बिहाइंड द व्हील। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सबसे पहले तो जो हमारा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था कि व्हाई एग्रीगेट बिजनेस, क्योंकि हम जनरली TML को ट्रक बसेस के लिए और अदर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जानते हैं, सो व्हाई एग्रीगेट बिजनेस? नहीं, थैंक यू। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। सी टाटा मोटर्स, आप सब जानते हैं कि हम कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं और करीब करीब पिछले 8 दशकों से हम कमर्शियल व्हीकल बना रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इस गाड़ियों के लिए, वो एक 80 वर्षों वाला है। और इन 8 दशकों में हमने नए नए गाड़ियों को लॉन्च किया, नए नए एप्लीकेशंस के लिए गाड़ियों को लॉन्च किया, और उस प्रोसेस में हमने हमारी रेंज को भी एक्सपैंड किया। इनफैक्ट आज अगर मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करूं, तो शायद एक ऐसा अकेला इकलौता कंपनी है भारत में जो पूरी एक रेंज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो 1 टन का गाड़ी हो, चाहे वो 55 टन का गाड़ी हो, या बस के अंदर वो 3 सवारी वाली गाड़ी हो या 60 सवारी वाली बस हो। तो हमारे पास एक पूरी रेंज है और हमारी गाड़ियाँ हर प्रकार के परिस्थितियों में चलती है, चाहे वो हिल्स हैं, चाहे वो डीप माइनिंग है, या ऑफ रोड एप्लीकेशंस है, या ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जिसके अंदर काफ़ी लंबी समय तक गाड़ी लगातार चलती रहती है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारी गाड़ियों में जो भी एग्रीगेट्स या कंपोनेंट्स गए हैं, जैसे इंजन हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब एक तरीके से एक इस समय को टेस्ट करके आए हैं। और इसके अंदर जो हमारी कॉमर्शियल गाड़ियों में इन एग्रीगेट के द्वारा हम ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अश्योरेंस कस्टमर को देते हैं, उसी प्रकार का हमारा एग्रीगेट भी रिप्रेजेंट करता है। सो एक नेचुरल चॉइस है हमारे लिए, चूँकि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है, तो उस वजह से ये एग्रीगेट का बिज़नेस एक महत्वपूर्ण बिज़नेस बनता है। और जब हमने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो हमने देखा कि ऐसी और भी कई ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस हैं बियॉन्ड कार और कमर्शियल व्हीकल, जहाँ पे इन एग्रीगेट्स की ज़रूरत है, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हार्वेस्टर वगैरह, तो वहाँ पे इंजन्स की, एक्सेल्स की, गियर बॉक्स की, इन सब एग्रीगेट्स की आवश्यकता है। तो हमारे एग्रीगेट और उन एप्लीकेशन की मीटिंग जो हुई है, उस वजह से हमारा एग्रीगेट बिजनेस हमें लगता है कि एक महत्वपूर्ण बिजनेस है और हम उनकी नीड्स को एक्चुअली बिल्कुल सही तरीके से मीट कर पा रहे हैं थ्रू दीज एग्रीगेट्स। एंड हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, आज हम कुछ ही रेंज को हम दे पा रहे हैं, परंतु हम जाते हुए आगे हमारी पूरी रेंज को ऑफर करेंगे, ताकि उस इंडस्ट्री में भी एक अच्छे प्रोडक्ट की उपलब्धि हो। सो सर जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जैसे ये वाला जो इंजन है सर, जनरली कोई भी एग्रीगेट हो तो मार्केट में लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है, एक आफ्टर सेल सपोर्ट मिल नहीं पाता है। और जब हम TML को पैसेंजर या कमर्शियल में देखते हैं तो दे आर नोन फॉर द बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट। तो सर व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर मैं TML से कोई बिजनेस कर रहा हूँ एग्रीगेट्स का, मैं जुड़ता हूँ TML, तो मुझे क्या आफ्टर सेल सपोर्ट मिलेगा? आई थिंक आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं बोलूँगा हमारा एक USP है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। कॉमर्शियल गाड़ियाँ हम जितने टाइम से बेच रहे हैं, हमारे पास में करीब करीब 1700 से भी ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं पैन इंडिया, चाहे आप कश्मीर की बात करें, कन्याकुमारी की बात करें, या नॉर्थ ईस्ट में तिनसुकिया, जोरहाट की बात करें, हमारे पास हर जगह हर 50 किलोमीटर पे एक वर्कशॉप उपलब्ध है। उन वर्कशॉप में यही एग्रीगेट्स क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ियों में लगते हैं, तो उनकी पूरी सर्विसिंग होती है, तो उन पूरे वर्कशॉप्स एक्चुअली वो सारे उपलब्ध हैं इन एग्रीगेट्स के लिए भी। तो जो भी कस्टमर हमारे एग्रीगेट्स को यूज़ करें, चाहे इंजन हो, एक्सेल हो, उनको ये सब सर्विस सेंटर से उपलब्धि मिलती है। उसके अलावा हमारे पास 600 से भी ज़्यादा कंटेनर वर्कशॉप्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उपलब्ध हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, चाहे माइनिंग है, तो वहाँ पर हम एक्चुअली उन साइट पर जाके ये सर्विस दे रहे हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी वहीं चल रहे हैं या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी वहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये एक
यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमारी है कि हम कस्टमर्स को खाली प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ में सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी अश्योरेंस दे रहे हैं। सर जनरली कस्टमर से हमेशा फीडबैक आता है और उस फीडबैक पे OEMs काम करते हैं और प्रोडक्ट्स इम्प्रूव करते हैं। तो जो आपके एग्रीगेट्स हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आप जनरली कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे लेके आते हैं, क्या फीडबैक्स आपने लिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स आते हैं? सो हमारा हमेशा ये कोशिश होता है कि हम कस्टमर के साथ में मिलके और उनके काम को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को उसके काम के अनुसार ट्वीक करें। हमारे पास इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, जो भी आज इंजन एक्सेल्स वगैरह गियरबॉक्स हम बनाते हैं वो कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए तो है ही बने हुए, परंतु कुछ चेंजेस कुछ बदलाव इंजीनियरिंग के रूप में देखते हुए हमें करने पड़ते हैं, जो हम उनकी कंपनियों के साथ में काम करके उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हम भी सीखते हैं उनके साथ और हमारी इंजीनियरिंग टीम उनकी इंजीनियरिंग टीम के साथ में काम करती है और प्रोडक्ट्स को हम लोग इम्प्रूव करते रहते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए का एमिशन नॉर्म्स में भी चेंज आ रहे हैं अब काफ़ी, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम उसके हिसाब से अभी BS4 CPCB BS4 Plus और इवन BS5 फॉर इंडस्ट्रियल इंजन्स उसकी तरफ हम जा रहे हैं और वो पूरी रेंज जो आप यहाँ देख रहे हैं उन मापदंडों को ये खड़े उतरते हैं। सर अब एक लास्ट सवाल, ये जेनसेट हम यहाँ देख रहे हैं सर, इस जेनसेट में मैंने सुना है कि ये जैसलमेर की गर्मी से लेके कश्मीर की ठंड तक चल जाता है, तो ये पूरे वर्सटाइल है क्योंकि इंडिया का लैंड पूरा बहुत ही वर्सटाइल है, तो क्या इस इंजन में ऐसा खास है जो इस तक खास बनाता है कि ये इंडिया में कहीं भी डिप्लॉय करो, किसी भी एप्लीकेशन में डिप्लॉय करो तो ये अच्छे से परफॉर्म कर पाता है? जी, सो हमारे जो जेनसेट हैं टाटा मोटर्स के, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ बट उसके पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमारी रेंज जो है वो 25 से लेके 125 kVA तक की रेंज है। ये जो जेनसेट है ये पूरी तरीके से हमारे प्रूवन इंजिन्स यूज़ करते हैं, जैसे 4SP इंजन है, 497 इंजन है, 697, सो ये प्रूवन इंजिन्स हैं। कई लाखों गाड़ियाँ इन इंजन के को यूज़ करते हुए आज सड़क पे चल रही हैं, सो ये प्रूवन एंड टेस्टेड इंजिन्स हैं। और हम सिर्फ इंजन नहीं, इंजन के साथ में पेरिफेरल्स भी साथ में हम देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट देता है। इसका एक मापदंड होता है कि जो भी खर्चा जेनसेट ओनर इस पर करता है वो पर किलोवाट आवर पे कैसे कंपैरिजन होता है अदर जेनसेट्स के साथ। सो हमारा जो जेनसेट है आई थिंक वो सबसे बेस्ट लोएस्ट कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ पावर जनरेटेड ये देता है। सो उस प्रकार से हमारा जेनसेट आज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हमारा इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। सर दिस एक्सीलेंट, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोअर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी है जो मुझे आपसे बात करके पता चला, बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट भी है और आपने कस्टमर सेंट्रिक होके फीडबैक भी बहुत अच्छा लिया हुआ, दैट्स रेट फिंटेस्टिक गोइंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे ही जो है अपने बिजनेस में आगे बढ़ो, हमें भी और ज़्यादा TML देखने को मिले क्योंकि वी एक्चुअली लव ट्रक्स एंड बसेस, सो वी ऑल्सो वॉन्ट एग्रीगेट्स टू ग्रो एज वेल, एंड दैट्स ऑल। सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।